is Night Angel. So today we will start the other chapter of English language, and the chapter name is Adjectives, Degree of Comparison. In the previous session of language, and we have completed the adjectives and its kind. So today we will study the adjectives, degree of comparison. So let's get started. Before starting it, what is adjective? Let me tell you what is adjective. An adjective is a word which qualifies noun or pronoun. Adjective क्या है? Adjective एक ऐसा word है जो noun और pronoun की quality को बताता है, उसकी noun और pronoun की विशेषता को बताता है, उसे हम adjective कहते हैं. Now let's start. Ansh is a strong boy. क्या कह रहा है? Ansh एक ताकतवर लड़का है. अंश की कंपैरिजन इसी से नहीं की जा रही, यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि अंश एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, शक्तिशाली लड़का है बहुत. ठीक है, तो यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं की जा रही अंश की, बस बोला जा रहा है कि अंश एक स्ट्रॉन्ग लड़का है. इन द अदर सेंटेंस एग्जाम्पल, वंश इज अ स्ट्रॉन्गर देन अंश. कह रहा है कि वंश जो है अंश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे क्या है कि अंश और वंश दो बच्चों की कंपैरिजन किए जा रहे हैं. टू चिल्ड्रंस, यहाँ पे दो बच्चों के कंपैरिजन किए जा रहे हैं, अंश और वंश. कहा जा रहा है कि वंश जो है अंश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ऋषि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द थ्री. कह रहा है कि ऋषि जो है इन तीनों लड़कों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ तीन लोगों की कंपैरिजन हो रही है, अंश, वंश एंड ऋषि. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है कि यहाँ पे किसी की कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर रहे हैं. सो अंश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, नॉर्मल है, यहाँ किसी की कंपैरिजन नहीं हो रही. नेक्स्ट में क्या है, वंश इज स्ट्रॉन्गर देन अंश. वंश जो है अंश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ हम दो बच्चों की कंपैरिजन कर रहे हैं. एंड इन द अदर सेंटेंस, ऋषि इज स्ट्रॉन्गर, ऋषि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द थ्री. ऋषि जो है उन तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ तीन लोगों की कंपैरिजन हो रही है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द नाउंस मेंशन देयर क्वालिटी और नंबर. डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है कि वो पॉइंट आउट करता है किसी नाउन की तरफ, किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करेगा या उसे डिस्क्राइब करेगा, दैट विल बी डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ डिग्री. सो हियर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द पॉजिटिव डिग्री. सो सी हियर, अ पॉजिटिव डिग्री टेल्स द क्वालिटी ऑफ सम पर्सन और समथिंग इन सिंपल टर्म्स. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी चीज की क्वालिटी को बताता है सिंपल वे में, इजी वे में किसी पर्सन और किसी चीज की क्वालिटी को बताए तो दैट विल बी पॉजिटिव डिग्री. इफ वी टेक एग्जांपल, मीना इज अ स्वीट गर्ल. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मीना एक स्वीट लड़की है, अच्छी लड़की है. सो दैट विल बी पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पे हम किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वे में कह रहे हैं कि मीना एक अच्छी लड़की है. नाउ लेट्स सी द अदर डेफिनेशन, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. सो अ कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ सम पर्सन और थिंग्स विद अनदर. क्या कह रहा है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वो किसी एक पर्सन की क्वालिटी को दूसरे से कंपेयर करता है. कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, किसी एक पर्सन की क्वालिटी को हम किसी दूसरे के पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर करें, दैट विल बी कंपैरेटिव डिग्री. इफ वी सी, क्या बोला था हमने, फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था पॉजिटिव डिग्री में, मीना इज अ स्वीट गर्ल. सो अगर हम यहाँ कंपैरेटिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीमा इज स्वीटर देन मीना. क्या हो गया, सीमा जो है मीना से ज्यादा स्वीट है. सो यहाँ पे हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, मीना और सीमा. और क्या कह रहे हैं कि सीमा जो है मीना से ज्यादा स्वीट है. सो दिस विल बी कंपैरेटिव डिग्री. नाउ सी द सुपरलेटिव डिग्री. अ सुपरलेटिव डिग्री टेल्स दैट द पर्सन और थिंग्स एट्रीब्यूटेड विद अ क्वालिटी has the maximum of that quality.
सुपरलेटिव में क्या है, सुपरलेटिव क्वालिटी ये कहता है कि किसी भी पर्सन और किसी भी चीज में सबसे ज्यादा क्वालिटी होगी इन कंपैरिजन, और सबके कंपैरिजन में उसमें क्वालिटी मैक्सिमम अमाउंट में होगी, मैक्सिमम होगी, तो दैट विल बी सुपरलेटिव डिग्री. एग्जांपल फॉर सुपरलेटिव डिग्री विल बी अनन्या इज स्वीटेस्ट दैन ऑल थ्री. तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है कि अनन्या जो है उन तीनों में सबसे ज्यादा स्वीट है. सो यहाँ पे क्या है, हम तीन लोगों की कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि अनन्या जो है उन तीनों में सबसे ज्यादा स्वीट है. सो दिस विल बी सुपरलेटिव डिग्री, की तीनों की क्वालिटी अगर हम कंपेयर करें तो उसके पास मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम क्वालिटी होगी किस चीज की, स्वीटेस्ट की, कि वो तीनों में सबसे ज्यादा स्वीट है. लाइक वाइज इफ वी टेक एग्जाम्पल कि रवि इज अ ब्रेव बॉय, रवि एक बहादुर लड़का है. सो दिस इज द इजी एग्जाम्पल, सो इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री. ये एक इजी सेंटेंस है, सो दिस विल बी पॉजिटिव डिग्री एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो जाएगा. एंड इफ वी से, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, अमन इज ब्रेवर दैन रवि, अमन जो है रवि से ज्यादा ब्रेव है. तो यहाँ हम दो लोगों की कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो जो है अमन वो रवि से ज्यादा बहादुर है. नाउ लाइकवाइज सुपरलेटिव में कहें तो आर्यन इज ब्रेवेस्ट दैन ऑल थ्री, आर्यन जो है उन तीनों में सबसे ज्यादा बहादुर है. उन तीन लड़कों की बात की जाए, अगर कंपैरिजन की जाए, तो आर्यन जो है उन तीनों में सबसे ज्यादा बहादुर होगा. सो दीज आर दी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज. लेट्स सी दी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्मेशन कैसे होते हैं उसे हम देखेंगे. सो द फर्स्ट इज एडिंग ई आर टू फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री एंड ई एस टी टू फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री. सो हियर वी विल टेक द वन वर्ड, हम एक वर्ड लेंगे जिसमें अगर हम लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ई आर जोड़ देते हैं, सो दैट विल बिकम कंपैरेटिव डिग्री. एंड इफ वी एड ई एस टी दैट विल बिकम सुपरलेटिव डिग्री. सो द फर्स्ट इज शॉर्ट, एंड इफ वी एड ई आर दैट विल बिकम शॉर्टर. ओके, एंड इफ वी एड ई एस टी इन द लास्ट ऑफ दैट वर्ड दैट विल बिकम शॉर्टेस्ट. मीन्स यहाँ पे हम किसी एक पर्सन के बारे में ही, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे दो पर्सन की कंपैरिजन होगा तो वो दैट विल बी कंपैरेटिव, और यहाँ पे जब उससे ज्यादा की बात होगी तो दैट विल बी सुपरलेटिव. कि राम इज अ शॉर्ट बॉय, तो राम क्या है, छोटा लड़का है. एंड राम इज शॉर्टर देन रवि, राम जो है रवि से ज्यादा छोटा है. तो यहाँ पे किसकी कंपैरिजन हो रही, दो बच्चों की कंपैरिजन हो रही कि राम जो है रवि से ज्यादा छोटा है. एंड अमन इज शॉर्टेस्ट दैन ऑल, अमन जो है उन सब में सबसे छोटा है. तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सबको कंपेयर करके कहा गया कि अमन जो है सब में, तीनों में सबसे छोटा है. नेक्स्ट इज ब्रेव, देन इफ वी एड ई आर दैट विल बिकम ब्रेवर, एंड इफ वी एड ई एस टी इन द लास्ट दैट विल बिकम ब्रेवेस्ट. नेक्स्ट इज इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, the comparative degree is formed by adding r and the superlative degree is formed by adding st. कह रहा है अगर positive degree, ये है positive degree, अगर उसमें last में e आता है, so अगर उसमें हम क्या add कर देंगे, r add कर देंगे, that तो वो क्या बन जाएगा, comparative degree. और अगर हम last में word के st add कर देंगे, positive जो है, positive degree के last में अगर हम R ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और अगर हम ST ऐड करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा. सी द एग्जांपल क्या है, लार्ज, लार्ज के लार्ज में अगर हम R जोड़ दें दैट विल बिकम लार्जर एंड इट विल कंपैरेटिव डिग्री, और अगर हम इसी लार्ज में ST ऐड कर दें तो वो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री. सी द अदर वन, इफ फाइन यहाँ पे लास्ट में E आ रहा है, सो इफ वी ऐड R इन द लास्ट, अगर हम लास्ट में आर ऐड करेंगे फाइन में तो फाइनल बन जाएगा विच विल बी कंपैरेटिव डिग्री. एंड इफ वी ऐड एस टी इन लास्ट ऑफ द फाइन, फाइन वर्ड के लास्ट में अगर हम एस टी ऐड करेंगे दैट विल बिकम फाइनेस्ट विच विल बी सुपरलेटिव डिग्री. लाइकवाइज इफ वी टेक ब्रेव, ब्रेव इज अ वर्ड विच एंड्स इन ई, ब्रेव में भी ई लास्ट में आता है,
सो इफ वी एड आर इन लास्ट ब्रेव में, लास्ट में अगर हम आर एड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ब्रेवर, विच विल बी कंपैरेटिव डिग्री. और उसी में अगर हम लास्ट में एस के एड करते हैं तो वो ब्रेवेस्ट बन जाएगा, विच विल बी सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द लेफ्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट योर होमवर्क ऑफ द डे इज, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, यू हैव टू आंसर इट. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, यू हैव टू आंसर दिस. नाउ ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दीज वर्ड्स. सो हियर यू हैव टू राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ दीज वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज हम्बल, सेकेंड इज क्लेवर, थर्ड इज नोबल, फोर्थ इज क्लियर, फिफ्थ इज श्योर, and sixth is bright. So here you have to write the comparative and superlative degrees of these following words. So